सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। चलते रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ पानी भी बेकार हो जाता है। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बड़ा महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और एक व्यवहार विचार बदल देता है। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। आज के दिन आपको हर वो खुशी दे जिसकी आपने भगवान से उम्मीद की है। आज का पंचांग 26 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि सुबह 6:03 तक रहेगी। इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र रात्रि 10:21 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:05 से 4:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:48 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर सुबह 9:57 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। आप सभी को अन्नपूर्णा जयंती, पूर्णिमा व्रत और मार्गशीर्ष पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर राशि 26 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार, आपके दिमाग में आज कोई अद्भुत विचार आएगा और आपको इसे हाथों हाथ केवल इसीलिए रद्द नहीं कर देना चाहिए क्योंकि आपको इसका हो पाना मुश्किल लग रहा है। आज बड़ा सोचने और ऊंचाइयों को छूने का दिन है। ऐसा करने के लिए आपको बाधाओं की सूची बनाकर अच्छी योजना बनानी है और आप पाएंगे कि परिस्थितियों से खुद ब खुद समाधान नजर आने लगेंगे। पुराने गिले शिकवे दूर करने का अनुकूल समय है। कोई भी काम प्लानिंग से करना तथा सकारात्मक सोच रखना आपको नई दिशा प्रदान करेंगे। किसी धार्मिक स्थल पर जाने से आपको बहुत अधिक शांति और सुकून भी मिलेगा। प्रयत्न करने के बाद भी अपनी भावनाओं को प्रकट न करने से नाराजगी बनी रहेगी। जिस व्यक्ति से नाराजगी है उसके साथ चर्चा करने की कोशिश करें। गलत बातों की वजह से अच्छे रिश्तों में बेवजह दरार आ सकती है। करियर में बदलाव करने के लिए वक्त लगेगा। नए काम की खोज जिन लोगों को है उन्हें प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकता है। पार्टनर और आपके बीच चल रही लड़ाई का असर पारिवारिक जीवन पर हो सकता है। निश संबंधित परेशानी बढ़ने की संभावना है, ध्यान रखें। सावधानियां, लापरवाही और जल्दबाजी की वजह से कुछ काम बिगड़ भी सकते हैं, इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले उसकी सफलता सुनिश्चित करें। सामाजिक गतिविधियों में अपना योगदान अवश्य दें तथा अपने संपर्कों को मजबूत करें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी आपसे सामंजस्य द्वारा घर की समस्याओं को सुलझाने में सफल रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी और अधिक नजदीकी आएगी। आज प्यार आपके तन मन में महसूस होगा। अगर आप अकेले हैं तो मुमकिन है कि कोई आपकी तन्हाई दूर करने के लिए आपको मिले और संभावना है कि आपको उससे प्रेम हो जाए, जो कि काफी हिंसक हो सकता है। परंतु ये आपको याद रखने की जरूरत है कि प्रेम में काफी समायोजन की आवश्यकता होती है, तभी वह स्थायी और लंबा होता है, अन्यथा वह एक गुजरा हुआ दौर बन के रह जाता है। प्रेमी जोड़े को आज के दिन प्रेम का आनंद मिलने की संभावना है। बात करते हैं करियर की। आज आपका भाग्य सट्टा व्यापार एवं उससे जुड़ी चीजों में आपका साथ देगा। अगर आप किसी दुविधा में हैं तो आज के दिन आपको तर्क शक्ति प्रदान करेगा जिससे आप उचित निर्णय ले पाएंगे। ये निर्णय आपकी वित्तीय जरूरतों पर भी आगे जाकर अच्छा प्रभाव डालेगा। आज के दिन भूमि निवेश के लिए भी फायदेमंद रहेगा। कार्यस्थल पर स्टाफ तथा किसी कर्मचारी की वजह से नुकसान हो सकता है, इसलिए अपनी योजनाएं सीक्रेट रखें तथा कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति भी अनिवार्य रखें तथा सभी निर्णय स्वयं ही लें। नौकरी में मन मुताबिक कार्यभार मिलने से राहत मिलेगी। बात करते हैं सेहत की। गिरने अथवा वाहन आदि से चोट लगने की आशंका बन रही है। जोखिमपूर्ण कार्यों से दूर रहें। आप कुछ तनाव में लगे रहे हैं। फिटनेस के लिए बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल जैसे तैराकी और योग आदि का अभ्यास करें।
अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने और मांसपेशियों को पुष्ट करने के लिए ऐसा नियमित रूप से करें। बहुत ठंडा मौसम हो तो ना करें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिम में जाकर ट्रेनर के अनुसार हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।